तो जनाब अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? बहुत दिनों के बाद आप लोगों के सामने हाजिर हूँ, सलाम कर रही हूँ। कैसे हैं आप सब लोग जरूर कमेंट में बताइएगा। बस भाई, गुड़िया भी उठ गई है, गुड़िया के बाबा भी उठ गए हैं और लाला तो माशाल्लाह रेडी हो चुके हैं। कहाँ जाने की तैयारी है लाला? पढ़ना है अभी। थोड़ा बहुत पिटाई हो जाएगी तुम्हारी, बहुत सारा पढ़ना है। नाश्ता रेडी कर दिया था। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ मेरा शहजादा, शहजादे को डायरेक्ट बिस्तर से उठा के यहाँ बिठा दिया है। अभी नाश्ता करेगा, फिर ब्रश होगा, अपने व्लॉग को जो है फास्ट करेगा, जो मम्मा नहीं कर सकती है ना। अच्छा बेटा ही फास्ट करेगा। और तुम क्या बड़बड़ बड़ क्या बड़बड़ बड़बड़ कर रही हो? सब मैं करूँ, सब काम उसे ही कराती हो तुम? शाले काम मैं ही करूँ, परांठा भी मैं बनाऊँ, चाय भी मैं बनाऊँ, खाना भी मैं बनाऊँ। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। दस्तरखान भी मैं लगाऊँ, झाड़ू भी मैं लगाऊँ, पोछा भी मैं लगाऊँ, बर्तन मत। भाई बच्चे हमारे नाश्ता कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, कुछ चायें बन रही हैं, हम अपनी नाते भी माशाल्लाह से सुन रहे हैं, क्योंकि इसके बगैर हमारा कोई काम नहीं होता। जनाब घर के काम तो खत्म ही नहीं होता। मैं रोटी बना रही थी, पूरा किचन फैला हुआ था, अभी सिर्फ साफ कर ली है मैंने। बर्तन जो है तकरीबन मैंने धो लिए हैं। अब अहमद का पानी चूल्हे पर है, अहमद नहाएंगे। तो उससे पहले हम आपको बता दें फातिमा क्या कर रही है। फातिमा उस वक्त पेट भर के खाना नहीं खाती, फिर बाद में फातिमा को जो है ये क्या हो रहा है, रोटी दी। अब ये पूरा फिनिश करना है आपको। ओके अहमद क्या कर रहे हैं? अहमद लगा रहे हैं तेल मालिश। आओगे बेटा? अहमद ने कपड़े देखते हैं क्या निकाले पहनने के लिए। तो ये वाला ट्राउजर निकाला हुआ है, ये नया ट्राउजर अपना और शर्ट। तो बस इस कमरे को मेरी यहाँ पे सब ये फैला हुआ है, कुछ इनके पापा के काम की चीजें हैं, लैपटॉप यहाँ पड़ा हुआ है, बैग इब्राहिम और फातिमा का यहाँ है, ये रस्सी फातिमा की यूनिफॉर्म जो ड्राई करती है उसके लिए बनी हुई है। बोलेंगे क्या आंटी बता रही हैं, सुस्त सुस्त सुबह, आज का दिन सारा सुस्त सुस्त है। और इब्राहिम कोचिंग से आ गए जी, आप आ गए। और आज कैसा रहा, आज कौन सी क्लास थी, कैसा हुआ? अच्छा, टेस्ट हुआ आज आपका? कब? हाँ। और इनका कोचिंग इतना दूर है, इनका जो है कोचिंग, मैंने भी चलना है। और आज का दिन इतना बैड रहा, इतना बैड रहा, अल्लाह ने इतना बाल बाल बचाया। हाँ इब्राहिम आपको नहीं पता क्या हुआ, अल्लाह ने कितना बाल बाल बचाया है। ये देखें आप बोलेंगे ये क्या, ये शीशा टूट गया। और ये शीशा इतना बुरा टूटा कि यहाँ फातिमा भी खड़ी हुई थी, मैं भी थी, अल्लाह ने बहुत बाल बाल बचाया। उस वक्त में ये वीडियो नहीं बना सकी, ये पूरे कमरे में कांच ही कांच शीशा। अल्लाह ने हमें बाल बाल बचाया ना, अल्लाह ने हमें बचा लिया ना, शीशा कैसे टूट गया था ना हमारा। था उसकी भी तबीयत सेट नहीं है, पैनाडोल इसने खाई है। इसके लिए खास दुआ करें आप मेरे बच्चे के लिए कि अल्लाह पाक इसे नजरे बस से बचाए, हासिदों के हसद से बचाए, शयातीन के शर से बचाए और दुश्मनों के शर से अल्लाह पाक मेरे तीनों बच्चों को बचाए, अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। हाँ आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। इसको मैं कह रही बेटा बाथरूम में जाके तेल लगाया कर, अहमद यहाँ पूरे बाल बाल हो जाएंगे, मुझे पता है। वो देखो ये पूरे यहाँ बाल ही बाल पड़े हुए सारे के सारे, और देखो डैंड्रफ। बहरहाल बने रहे हमारे साथ ही, मैं बच्चों को देखती हूँ क्या होता है क्या नहीं, फिर उसके बाद जो है हम बाबा आने वाले हर वक्त, तो बाबा आएंगे ना, डेफिनेटली आपके बाबा आएंगे। जल्दी जल्दी से जो है घर समेटती हूँ, झाड़ू लगाती हूँ, फिर उसके बाद आगे का भी लोग आज मैं ही कंटिन्यू करूंगी। अहमद ने कहा मामा आज आप बना लें, वरना ये आज स्किप करना चाह रहा था। तो मैंने कहा स्किप तो आप कर ही नहीं सकते, हमारा 1 ईयर का चैलेंज है, तो हम इसके बिल्कुल नहीं कर सकते। सो गाइस भाई अभी जस्ट मैंने अपना पानी आपको बताया, मम्मा ने एसयूजे की गर्म करने मैंने रख दिया है और आपके भाई ने पानी गर्म कर दिया, ज्यादा गर्म हो गया है। और मैंने ऑयलिंग वगैरह कर ली थी, अभी मम्मा वहाँ की सिर्फ झाड़ू लगा रही है। झाड़ू के बाद पोछा वगैरह, आपको पता है घर की सफाइयों में क्या क्या होता है, बताने की जरूरत नहीं पड़ी। हो रहा है तो भाई आपके भाई के सर पे चोट लग गई थी, बस क्या कर सकते हैं। किसने मारा है? इधर आगे आगे मम्मा, इधर देखें गाइस किसने मारा है। अभी मैं भैया बनने गाइस, अभी ऑयलिंग करिए। और आज का थंबनेल अहमद का सर फट गया, तो बस ये ऑयलिंग वगैरह कर ली क्योंकि डेंड्रफ बहुत हो रही है। सर्दियों में आपको पता है कि हालत बिल्कुल खराब हो जाती है, तो आज का व्लॉग ऐसे ही चलाएं क्योंकि आज कुछ था नहीं, लेकिन इंशाल्लाह कल व्लॉग में आपको बहुत सारा फन करवाने वाला हूँ मैं, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। नहाते हुए तो मैं दिखा नहीं सकता वरना। गलत बात है कट कर देना, मजाक कर रहा हूँ। तो पानी गर्म हो रहा है मेरा और जस्ट बस आज का व्लॉग ऐसे ही, बस मम्मा खाना वगैरह बनाएंगी तो आज देखें क्या होता है। पापा, तो पापा ही नहीं रहते हैं यार, बस तो मिलते हैं फिर आपसे थोड़ा सा देर में, बने रहे। A few moments later. So guys, अभी तक आपके भाई का पानी गर्म नहीं हुआ है और लेके आया था आज आपके भाई, मतलब जो जो ऑयली वॉयली स्किन होती है और थोड़ा सा जो डल हो जाता है ना, फिर इसके लिए बस एक रेमेडी देखी है मैंने, फर्स्ट टाइम रिजल्ट बहुत अच्छा आया था, तो आपको भी शेयर करता हूँ मैं, बताता हूँ आपको। इसमें आपको सिर्फ करना ये है, बताऊंगा आपको, ये है दही,
ठीक है। अच्छा ये है योगर्ट और ये है बाउल। ओके इसके मंडी दूध बेसन। अच्छा और नींबू के दो तीन कतरे। ये आपको उसको हिलाना 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 है, फिर आपको फेस पर अप्लाई करना है, 15-10 मिनट रखना है, उसके बाद फेस वॉश कर लेना है, फिर आपने बताना है कि ग्लो कैसे आया। ओके ओके तो मैं आपको दिखाते हैं। सो गाइस अभी यहाँ पर इसमें मैंने दही तो मिला लिया है, ये टेडी कोट है, इसमें दही हमने मिला लिया, ये रहा दही और ये नींबू। देखें नींबू के 1 2 3 4 5 6 7 8 चले, ये है हमारे पास बेसन, ठीक है। थोड़ी सी हल्दी हसबेंड आएगा, हल्दी थोड़ी सी, फिर उसके बाद 1 2 मजेदार। तो गाइस अभी मेरे को क्लिप एंगल ढूंढ रहा हूँ, तो मैं बताएं जरा सही तरह। तो ये हमारी रेमेडी तैयार हो गई है, होम मेड रेमेडी जो हमारे स्किन की जो है केयर के लिए हमने बनाई है। हम सिर्फ अहमद को बता देते और अब हम इसको लगाएंगे कैसे, इस ब्रश को लेंगे एक आदत और इसको अंदर डिप करेंगे और इसको अपने फेस पे ऐसे ऐसे अप्लाई कर लेंगे। सो गाइस बस यार ये हम लोग कर रहे हैं, ये रहा और ये यहाँ पर लगा रहा हूँ, मुझे तो कुछ नजर भी नहीं आ रहा कि मैं कर क्या रहा हूँ। ये मन्ना यार फातिमा बहुत तंग कर रही है मम्मा को भी और मुझे भी। बोलो मन्ना मेरे पास यार। ये इसको अप्लाई करने का है। सो गाइस बस ये अभी मैंने लगा लिया, पूरे मुंह को सही तरह लगा लिया और अब इसको 10-15 मिनट मेरा पानी भी जब तक गर्म हो रहा है तो उसको रखना है, मैं थोड़ी देर और गर्म होने दें हाँ, जब तक ये सूखता है, फिर उसके बाद मैं इसे वॉश करके नहा के फिर मैं आपसे मिलता हूँ, जब तक मम्मा अपनी सारी सफाइयाँ भी कर लेंगी। तो गाइस 1 2 3 मिलते हैं आपसे। आपके भाई का ये सूख चुका है, अभी जस्ट मैं जा रहा हूँ, पानी मम्मा ने पता नहीं चूल्हा बंद कर दिया है, ये चूल्हा नहीं बंद करा कर अम्मा ने फिर चूल्हा बंद कर दिया यार, अभी मैं भूत लग रहा हूँ मुझे पता है गाइस, तो लेकिन क्या कर सकते हैं यार गाइस। ये गाइस पाकिस्तान में गैस चला गया, नाथ लगाई हुई है, तो जब जल्दी से मैं जाने नहाने जाता हूँ, मेरा पानी ठंडा हो गया, मम्मा ने वहाँ सफाई वगैरह कर ली, तो मैं जल्दी से आप नहा के मिलता हूँ, यूं करके मिलता हूँ। चले 1 2 3 ये आपका भाई अभी यहाँ पर नहा धो के आपके सामने आ चुका है और जल्दी से मम्मा को बस मैंने कहा अम्मा खाना वाना बना लिए, मम्मा ने बना लिया होगा शायद, पता नहीं क्या बना रही है अम्मा, भी बताते हैं आपको। मम्मा ये क्या आलू की भुजिया बना रही है? भुजिया नहीं, आलू का थोड़ा ग्रेवी वाला सालन और चावल जल्दी। आलू का ग्रेवी वाला सालन और चावल बन रहे हैं, तो जल्दी से बस हम लोग इसको खाएंगे। तो बस आज का व्लॉग थोड़ा मुझे पता है कि यार चलता रहता है, लेकिन आपका भाई इतना धमाकेदार व्लॉग लाने वाला है इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो बस आपसे दुआ की दरख्वास्त है, दुआ करें आपके भाई के लिए और हमारी फैमिली के लिए, सबके लिए दुआएं करें, खासतौर पर सबके लिए दुआएं करें, दुआ दें और दुआ लें और इज्जत दें और इज्जत लें। पता है भाई मैंने कॉल पढ़ा था हजरत अली का, दुआ देंगे तो दुआ मिलेगी, इज्जत देंगे तो इज्जत मिलेगी। मजा आया जी, बेशक बिल्कुल। तो बस भाई आज का आपको बताऊं मैं, नहीं मकसद ये था कि आज आपके भाई ने दिखाया कि मम्मा ने भी व्लॉग बीच में 2-3 दिन से मम्मा भी व्लॉग नहीं कर रही थी, तो मम्मा का भी जो सब्सक्राइबर मम्मा की व्लॉगिंग देखना चाहते हैं, खास तौर पर मम्मा की जो फेवरेट है उनको बहुत पसंद है मम्मा का। हाँ तो फिर आज ये यहाँ पर मेरा सर जो फटा है ना यार, पता नहीं कैसे यार खतरनाक ही देखो ये, मैं अभी यहीं से थंबनेल ले लेता हूँ। तस्वीर आ गई सही है वरना तो बस यार शीशा भी बना नहीं पाया। हाँ बस सही है, मम्मा ने यूं चमाटी मारी थी ऐसे देखा यार, ऐसे मारा था। तो बस यार जल्दी से मिलते हैं इस ब्लॉग को, यहीं पे एंड करते हैं, लाइक करें कमेंट करें शेयर करें सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए इसके लिए शुरू हो जाए खावे लेम बन गई खावे लेम। तो बस यार मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज, मम्मा अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।